नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 27 मार्च से केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स की उड़ान को मंजूरी दे दी है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन विदेशी उड़ानों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय दिशा निर्देशों के तहत ही होगा। इसमें कहा गया है कि 23 मार्च 2020 को सभी शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों के परिचालन को निलंबित किया गया था। इसको लेकर 19 मार्च 2020 को सर्कुलर जारी किया गया था। इसके बाद 28 फरवरी 2022 को ताजा सर्कुलर के तहत भारत आने जाने वाली व्यावसायिक यात्रा सेवाओं को अग्रिम आदेश तक निलंबित रखा गया था। डीजीसीए ने कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ बढ़ते टीकाकरण को देखते हुए और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन दोबारा पूरी तरह से बहाल करने का फैसला किया गया है। ये नियम 27 मार्च 2020 से लागू होगा। फिलहाल विदेशी यात्री उड़ानों पर मौजूद प्रतिबंध 26 मार्च रात 12 बजे तक लागू रहेगा। एयर बबल संबंधित समझौता भी उसी अवधि तक यथानुसार लागू रहेगा। हालांकि इस ढील के साथ ये कहा गया है कि सभी घरेलू और विदेशी एयरलाइनों को कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। सरकार ने विदेशी यात्रियों को भारत आने पर अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन किए जाने के नियम को पहले ही खत्म कर दिया है। हालांकि विदेशी यात्री के लिए अनिवार्य टीकाकरण पहले की ही तरह जरूरी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।